गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर से नियान के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किरण कोरंगा ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस मैं अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, मॉर्निंग का टाइम है, अभी बज रहे हैं 9 सुबह के और अभी मैंने हाथ मुँह भी नहीं धोया, मेरी आँख भी नहीं खुल रही है सही से। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए आज का। सो मैं अभी आई हूँ छत पर और आपको मौसम दिखाती हूँ आज का। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप है, आप देख सकते हैं ये, और धूप के मारे तो मेरी आँखें ही नहीं खुल रही हैं। सो गाइस मैं मिलती हूँ, अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह धोने हैं। सो गाइस मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े वगैरह धो के। सो गाइस पहले मैं कपड़े डालती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। कपड़े वगैरह सब कुछ डाल लिए हैं, आपने देख ही लिया होगा। सो अब क्या करते हैं, छत पर नीचे ही जाते हैं और नीचे जाके कुछ काम कर लेते हैं, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। सो गाइस अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ दिन का। सो आज हम बना रहे हैं कढ़ी और चावल। तो कढ़ी के लिए मैंने अभी बेसन वगैरह घोल दिया है, सब रेडी हो चुका है, कढ़ाई वगैरह भी रख दी है मैंने गैस में। तो आपको दिखाती हूँ आज मैं किस तरीके की कढ़ी बना रही हूँ। तो हमारा तेल हो चुका है ये, अभी हम डालते हैं पकौड़ियाँ। नियान के ड्रामे स्टार्ट हो चुके हैं, वो बाहर रो रहा है, कुछ काम भी नहीं करने देता वो। सो मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े। कभी कभी पकौड़े वाली कढ़ी खाने का मन करता है, तो फिर वही आज हमारा मन कर गया तो मैंने पकौड़े वाली कढ़ी बना दी है। सो हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस जो भी बचा हुआ तेल था पकौड़ी का वो मैंने कम कर लिया है, अब हमारा तेल हो चुका है। तो अब हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, उसके बाद डालेंगे सरसों के दाने, उसके बाद हम डालेंगे इसमें मेथी दाना। लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, जो साबुत वाली लाल मिर्ची होती है, पर मेरे पास है नहीं तो मैं डाल नहीं हूँ। और ये हो गए हैं तो हम डालते हैं कटे हुए प्याज, प्याज और मिर्ची। तो बहुत ही टेस्टी होता है मेथी दाना और ये वो काले वाले सरसों के दाने डाल के ना, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आप वो भी डाल सकते हो कस्तूरी मेथी, मेरे पास है नहीं तो मैं डाल नहीं रही हूँ। तो गाइस मेरा ये प्याज हो चुका है ये, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा टमाटर। तो वो
तो गाइस मेरे कढ़ी के लिए ये सब रेडी है, जो भी बेसन वगैरह है ये, तो इसमें मैंने बेसन डाला है, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, गरम मसाला और हल्का नमक। तो अब हम इसमें डालेंगे क्या, दही और मट्ठा। इसको साथ में चलाना होता है तो ये पूरा ये बेसन है जो जम जाता है। खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है और मैं नहा के भी आ गई हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे। सो मैंने नहा लिया है और अब खाना खाने की तैयारी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस खाना खा ही रहे थे, वैसे ही नियान उठ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। उठ गए आप, छोई छोई कर रहे थे मम्मा। हेलो कर जो मम्मा, हेलो कर जो, हेलो करो, हेलो मम्मा, हेलो मम्मा। सो आप देख रहे हैं ये अभी उठ रहा है, तो इसको भी खिला देते हैं खाना और हम भी खाते हैं। सो गाइस हम अभी पहले नियान को खाना खिला रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। नोना जबरदस्ती खिलाना पड़ता है क्या आपको खाना? वाव टेस्टी टेस्टी है, टेस्टी। पापा साथ बैठे हो, नानी आपको खाना खिला रही है ना? चलो ना, ये खाना खाने को बहुत वो करता है, कार्टून चाहिए होगा ना इसको, तभी खाएगा ये खाना। चलो लो कार्टून लगा रही। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। गाइस हमारा खाना रेडी है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था, कढ़ी बनाई है मैंने पकौड़े वाली, चावल कढ़ी अचार और प्याज सब कुछ रेडी है। अब हम खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आप इनको देख सकते हो ये पानी पी रहे हैं खाने से पहले तो गाइस खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। अभी बज रहे हैं दिन के 4:30, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी देवरानी के यहाँ होके आऊँ, उसके बेटी को भी देख के आती हूँ और नियान को भी साथ में लेके जा रही हूँ। तो गाइस अब वहीं पर मिलते हैं, क्योंकि नियान मेरे साथ होगा तो मैं रास्ते का वीडियो नहीं बना पाऊँगी। सो अब हम मिलते हैं देवरानी के घर पर। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर से नियान के साथ, और मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ऐसे में मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। सो आप देख सकते हैं नोना क्या करे। नोना हेलो से हेलो। तो नियान अभी काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकला है, तो वो देख रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो गाइज अभी हम आपको सीधा आन्या के घर पे मिलते हैं, आन्या मतलब कि मेरी देवरानी के घर पे मिलते हैं, उसकी बेटी का नाम है आन्या। तो हम आपको मिलेंगे उसी के घर पे।
तो गाइस मेरे देवरानी को पता नहीं है कि हम उसके घर पे जा रहे हैं। मैंने उसको कॉल किया तो उसका कॉल स्विच ऑफ जा रहा था, सो मैंने सोचा कोई नहीं आज सरप्राइज़ दे देते हैं उसको। तो हम दोनों जा रहे हैं, अभी देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है हम लोगों को देख के। अब चलते हैं और आपको दिखाती हूँ उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, नियान को देख के और मुझे देख के। सबसे ज़्यादा तो वो नियान को देख के खुश हो जाएगी कि आज नियान मिलने आ रहा है अपने सिस्टर से। तो गाइस चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फाइनली हम उसके घर के बाहर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं ऊपर, फिर मिलते हैं आपसे। सो अब हम चलते हैं। पहुँच चुकी हूँ अपनी देवरानी के यहाँ पे, और आन्या मैडम ये सो रही थी, अभी अभी उठ चुकी है, आप देख सकते हो। हेलो हेलो सिस्टर, बोलो ना ना से हाय। ओ अच्छा, जीबू निकाल रही है तो बाहर। इसकी मम्मी ने कितने अच्छे से नहा रही थी इसकी मम्मी, तो मैंने एंट्री वाला नहीं दिखाया आपको, तो आप देख रहे हो मच्छरदानी लगा रखी थी बड़ी सी ताकि ये गिरे भी ना। बहुत प्यारी सी लग रही है, ये तो बड़ी हो गई है ना नना। ओ पेट लगा लिया आन्या ने, उठ के दिखाओ मम्मा को, उठो उठ के दिखाओ ना। अच्छा जीभ निकाल के दिखानी है आपने, ओ वाह। आन्या आन्या, ऐसे मेरी देवरानी बोल रही है मेरा फेस मत निकालो, मैं अच्छी नहीं लग रही। मैंने बोला क्यों, तो इतनी सुंदर तो है फिर भी पता नहीं क्यों नहीं दिखाना चाह रही है। बाय आन्या, ये उंगली बाहर निकालो बच्चा, बाय। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपनी देवरानी के घर से और मैं अपने घर के बाहर पहुंची हुई हूँ। सो गाइस हम लोगों का खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है, अभी बज रहे रात के 11:30 और अपनी देवरानी के यहाँ से आने के बाद का जो भी ब्लॉग था वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर लूं। सो अब नियान को भी सुलाते हैं और हम भी सो जाते हैं, अब मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय, टेक केयर।